नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी और धमाकेदार इन्फॉर्मेशन। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा, चलिए फिर भी एक बार और देख लेते हैं ये भी इस वीडियो के माध्यम से। ये मान के चलें कि इस साल की सबसे बड़ी भर्ती जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको। आज जो है एकलव्य एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है, ये कैसे स्कूल है मैं आपको बता दूँ। NVS देख लो, NVS स्कूल को अगर किसी ने विजिट किया है तो सेम वही स्कूल है, बस नाम बदल दिया, वही की वही स्कूल है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेबल अफेयर्स के नाम से जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है EMRS इसका शॉर्ट नेम है। इसके अंदर जो है आज काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, चलिए इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। मैं आपको मेन मेन चीज़ें दिखाऊंगा, वही उसी के ऊपर ध्यान देनी है। देखिए इसका क्या है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू यानी कि 23:50 यानी कि 12 बज के 50 मिनट पे जो है ये क्लोज होगी। कब? 18/8/2023 को, यानी कि 18 अगस्त तक, यानी आज से शुरू हो चुकी है ये फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर जो है प्रोसेसिंग चार्जेज ऑन द एप्लीकेशन पी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सब GST थ्रो एज एप्लीकेशन अप्लीकेबल आर टू बी बोर्न बाई कैंडिडेट्स एट टाइम ऑफ ट्रांजेशन, तो ये ऑनलाइन मोड पे होगा। TGT की पोस्ट जो है, TGT का जो रहेगा वो 1500 रुपये इसकी फीस रहेगी और हॉस्टल वार्डन की 1000 रुपये रहेगी, ठीक है। इसके अंदर जो है एग्जामिनेशन डेट क्या है, वेबसाइट पे जल्दी नोटिफाइड कर दी जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कितने, तो 180 मिनट यानी कि 36:18 यानी 3 घंटे का जो है टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी कि टीचिंग स्टाफ यानी कि हम बात करें अगर म्यूजिक टीचर की, म्यूजिक टीचर तो हम क्या टीचिंग में आते हैं, तो इनके लिए 180 मिनट का यानी 3 घंटे की एग्जाम होगी। और जो हॉस्टल वार्डन वाले हैं उनके 2.5 घंटे की एग्जाम होगी। एड जो है एज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड एग्जाम से पहले दे दिए जाएंगे। टू बी डिस्प्ले ऑन द NEST वेबसाइट ऑन ड्यू कोर्सेज, ठीक है। ये तो यानी कि फॉर्म स्टार्ट होने की और फीस की बात हो गई। इसमें क्या क्या मिलेंगे, देखिए TGT की पोस्ट है जो है 5660 है, हॉस्टल वार्डन की 335 है, हॉस्टल वार्डन फीमेल, ये तो मेल की हो गई, फीमेल की 334 है। इसके अंदर सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी की 606 पोस्टें हैं, इंग्लिश की 671 है, मैथ की 686 है, सोशल स्टडीज की 670 है और सोशल साइंस की यानी साइंस की जो है 678 है, ठीक है। उसके अलावा जो है ये थर्ड लैंग्वेज में कौन कौन सी, बंगाली रहेंगे, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, मिजो, संस्कृत और संथाली, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज थी अपनी जो बात कर रहे थे मिसलिनियस कैटेगरी की, तो मिसलिनियस कैटेगरी में देखिए ये रही हमारी म्यूजिक की 320 टोटल पोस्टें हैं, इनमें से आपके UR की 130 हैं, EWS की 32 हैं, OBC की 86 हैं, SC की 48 पोस्टें हैं, ST की 24, OH की 6 और VI की 6 पोस्टें हैं। ऐसे टोटल मिलाकर के कितनी पोस्टें हैं, 320 म्यूजिक की हैं, आर्ट की 342 हैं, PT मेल की 321 और PT फीमेल की 345 और लाइब्रेरियन की 369 पोस्टें हैं, टोटल पोस्टें इतनी हैं। तो इसका आप देख लीजिएगा, इसके अंदर हॉस्टल वार्डन की 335 मेल और 334 फीमेल। अब इसके अंदर क्या क्या रहेगा, देखिए ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसमें केवल ये बताऊंगा कि पे ग्रेड क्या रहेगी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी अपन जो आते हैं मिसलेनियस वगैरह, थर्ड लैंग्वेज, अदर मिसलेनियस, इन सब की जो है, अब देखिए मिसलेनियस इसमें देखो दो चीज़ें, एक लोचा इसमें ज़रूर किया है। अब देखिए इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक, इनके लिए इन्होंने अलग क्राइटेरिया बनाया, जबकि ऐसा नहीं है। ये लेवल 6 में आते हैं, लेवल 7 में कैसे आएंगे, TGT के बच्चे हैं, लेकिन भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो 44,900 से 142,400 हो जाएगा। जबकि NVS की बात करें, NVS के अंदर TGT और TGT में मिसलेनियस आते हैं, मिसलेनियस की सेम कैटेगरी होती है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 35,400 से लेकर जो है 112,400 जो है इसकी पे ग्रेड रखी है, यानी इसकी जो है म्यूजिक टीचर, आर्ट, PT मेल और फीमेल, इनके लिए अलग रखा है और हॉस्टल वार्डन की अलग रखी है,
लेकिन ये वाली जो चीज़ है मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी, क्योंकि देखिए इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक उन्हीं की तरह म्यूजिक टीचर और आर्ट मेल और फीमेल ये पीटी ये भी तो इसी में आते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, एग्जाम ऑब्जेक्टिव 120 के और लैंग्वेज कंटेम्प्रेरी 30 मार्क्स के होंगे। इनमें से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोनों में ही आपको 10 नंबर यानी कि हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी इन दोनों को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, आपके 10 नंबर इनमें से लाने ही है। यानी ईच सब्जेक्ट, इन्होंने क्या बोला है, ईच सब्जेक्ट, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये रहा लैंग्वेज कंटेंसी कंपेटेंसी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, इनकी 10-10 नंबर की रहेंगी। क्या है, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, जैसे सेम आपका नवोदय में रहा था। और ये कह रहा है कि 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको क्या लाना पड़ेगा, 10 मार्क्स का होगा। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स ईच लैंग्वेज, यानी आपको प्रत्येक भाषा में से 40% अंक लाने ही होंगे। कितने लाने होंगे, 40% आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। Part 1 to 5th ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी इक्विलेटेड इफ ही सी फेल्स टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट, अगर वो ये नहीं कर पाते हैं तो वो फेल समझे जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क करना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये इन्होंने कहा है। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक की में आ रहे हैं अपन। ये देखिए ये यहां से लेकर 1 से 5 तक, ये जो है ये सब इसके अंतर आते हैं। इन सबको क्या है, ये क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल का मैंने कमेंट्स बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को बाय बाय, गुड डे।